हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, जो हाल ही में एक बात चल रही है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो स्कैम हुआ है, काफी काफी बंदों के 90+ नंबर आ रहे हैं। देखिए मैंने भी एक बात बोली थी कि एक आधा कैंडिडेट हो सकता है जिसके 90+ आ जाए, वो भी तुक्का लग के, इतनी मेहनत करके नहीं आ सकते, लेकिन तुक्का लग के एक आधे की कोई दिक्कत नहीं भाई। तुक्का किसी का अच्छा ही लग जाए, किस्मत अच्छा होता है, एक आधा नंबर एक आधा कैंडिडेट के आ जाए। लेकिन अब मेरे पास लोगों ने बहुत सारे वो भेजे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं और मुझे उनके रोल नंबर और आईडी बताई है कि सर इसके देखे कितने नंबर हैं, इसके देखिए। तो बहुत सारे कम से कम ऐसे 10 से 12 स्टूडेंट मेरे सामने आए कि जिनके 90+ या 85+ नंबर हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इतना नंबर आना, इतनी ज्यादा संख्या में मैं नहीं मानता कि तुक्के भी लगते होंगे सभी के तुक्के। एक आधा कैंडिडेट हो सकता है कि गलती से तुक्के लग जाए तो आ जाए, लेकिन इतने इतने सारे कैंडिडेट और इससे भी ज्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने जिनके 90+ आ रहे हो। तो इसी चीज को आवाज लेके सभी यूट्यूबर भी आवाज उठा रहे हैं और मैंने आपको हमेशा से कहा है कि मैं आपके हमेशा साथ हूं, जैसा आप बोलोगे हमें वैसा ही करना है और मैं बिल्कुल आपको इस चीज में साथ आऊंगा। और बिल्कुल जो आपको जो अंकित सर ने भी बताया कि जो ट्विटर का अभियान है 11 जनवरी को, मैं उसके बिल्कुल साथ में हूं। अब देखिए मैं आपको पूरा बताऊंगा करना क्या है क्या नहीं करना। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, जो कैंडिडेट हरियाणा ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो एक ऐप है, देखिए दोस्तों परीक्षा ऐप, ठीक है, परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो किस प्रकार से डाउनलोड करनी है आप पूरा स्क्रीन पे देख सकते हो। परीक्षा ऐप पे आपको देखिए क्या टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, आपको वहां से टेस्ट सीरीज जरूर खरीद ले जो हरियाणा ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस के लिए, क्योंकि इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज है ही नहीं। सबसे पहले दोस्तों आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, जैसे परीक्षा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के बाद में उसको ओपन करें यहाँ से और अपना मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन करके जैसे ही ओपन करोगे तो सबसे नीचे आपको जो होम लाइब्रेरी और टेस्ट दिख रहा है इस टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये लिखा हुआ आपको दिख जाएगा यहाँ पर हरियाणा ग्राम सचिव ये दिख रहा है और हरियाणा पटवारी के ये रहा और हरियाणा कांस्टेबल के नीचे दिए हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप करोगे आपको जो टेस्ट खरीदना है, जैसे हरियाणा ग्राम सचिव का खरीदना है तो ग्राम सचिव के ऊपर आप क्लिक करो, सो के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये कोर्स आ जाएगा जो ऊपर डेमो क्लास है ऊपर फ्री, और जैसे ही आप करोगे तो आपको अनलॉक कोर्स कर लेना है यहाँ से। जैसे इस अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा। तो अब आपको क्लिक करना है दोस्तों इसके ऊपर, पे एट वंस पे आप क्लिक करोगे, पे एट वंस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, आपको अप्लाई ये जो कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको अप्लाई करना है सतपाल SATPAL और 50 सतपाल 50। जैसे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके सामने दिख रहा होगा कि कूपन अप्लाइड हो गया है और ये आपका ₹140 में मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आपको और अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू एंड पे करना है और इसके अपना अपने UPI या डेबिट कार्ड जैसे भी आप पे करोगे इससे आराम से आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से आप इस कोर्स को खरीद सकते हो पूरा और ये आपके लिए बहुत बेहतर कोर्स है। अब बात करता हूँ, देखिए दोस्तों करना क्या है, अब आपको करना क्या है, देखिए 11 तारीख को जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं 11 तारीख को सभी एक साथ आना है, उनको हैशटैग बता दिया जाएगा क्या हैशटैग यूज करना है और क्या नहीं करना और कितने बजे करना है, और हमें इसे कम से कम 2 से 3 दिन ट्रेंडिंग में रखना है, इस हैशटैग को 2 से 3 दिन हमें इसे ट्रेंडिंग में रखना है ताकि ऊपर तक इसकी बात पहुंच पाए और इसके ऊपर एक सटीक कार्रवाई हो। और जो अंकित सर ने एक लेटर बताया था, सब लोगों ने वो लेटर देख लिया होगा, आप भी अगर वो लेटर भेजना चाहते हैं तो वो आज या कल के अंदर भेज दे, क्योंकि उसमें ये मेंशन किया गया है कि ट्विटर का जो अभियान है वो 11 जनवरी को चलाया जाएगा, तो उसके बाद में वो लेटर भेज के इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि 11 तारीख को लोग सारे एक साथ आ रहे हैं। तो मैं इस चीज में आपके बिल्कुल साथ में हूं दोस्तों, लेकिन मैं एक लिमिट में साथ रह सकता हूं, जहां तक रह सकता हूं मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और मैं इस अभियान के लिए मैं जरूर स्टूडेंट को जोड़ूंगा कि वो ट्विटर पे करे, क्योंकि अपनी मांग मांगना कोई गलत चीज नहीं है, आप बिल्कुल कोई गलत काम नहीं कर रहे, बिल्कुल अपनी मांग मांग रहे हो और बिल्कुल सटीक जो आपका सही है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है उसी चीज का अगर कोई गलत उपयोग करेगा गलत प्रयोग करेगा और आपकी मेहनत खराब जाएगी तो ये बहुत गलत बात है और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो देखिए दोस्तों इतने स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इतने आ ही नहीं सकते, तो हमें देखिए पिछले बार भी एक भर्ती में क्या हुआ था, रेलवे की भर्ती थी उस टाइम पे,
ऊपर ऊपर के स्टूडेंट को हटा दिया गया था क्योंकि उस भर्ती में भी तगड़ा स्कैम हुआ था और वो बात ऊपर तक पहुंची थी, इसलिए उन स्टूडेंट को जिनके 90+ नंबर थे, जिनके 90+ नंबर थे, उन लोगों को हटा दिया गया था। शायद वो एग्जाम भी 120 नंबर का हुआ हो, ठीक है। तो वही सिस्टम है, अब की बार भी हमें एक चीज बोलना है कि उन लोगों को उठाओ, क्योंकि इतना हार्ड एग्जाम आने के बाद में 80+ या 85+, जिसके 80 या 85+ मार्क्स हैं, उन लोगों को उठाओ और उनका दोबारा एग्जाम करवा दो। अगर होता है तो पढ़े लिखे हैं तो कर देंगे, दोबारा भी कर देंगे। अगर पेपर आउट करवा के किए तो अपने आप लग जाएगी, या फिर वो पेपर देने आएंगे ही नहीं, एक चीज जरूर होगी। तो हमें इस चीज के लिए, हमें फ्रॉड के लिए कि इसके अंदर फ्रॉड हुआ है, हमें इस फ्रॉड के लिए आवाज उठानी है, स्कैम के लिए आवाज उठानी है। 11 जनवरी को ट्विटर अभियान में सभी के मेरे साथ जरूर आए, क्योंकि जो अच्छे एग्जाम हुए वो भी हैं, जिसके भी अच्छे एग्जाम हुए उसके भी 75+ नहीं गए हैं, जैसे मैंने देखा है 70+ ही कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि लगभग मेरे पास 3-4 हजार कमेंट आ चुके हैं, 70+ ही कोई कैंडिडेट नहीं है, एक आधा कैंडिडेट को छोड़ के। तो हमें सभी लोगों को एक साथ आना है स्कैम की, क्योंकि भर्ती रद्द नहीं होगी लेकिन इस लोगों की पर कार्रवाई हो सकती है। तो इन लोगों पे कार्रवाई करने के लिए उन लोगों को भी साथ में आना है जिनके 70-75 नंबर हैं, क्योंकि हमें कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करवानी है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो जिसके 80 से 85 नंबर से ऊपर आए हैं, क्योंकि आ ही नहीं सकते। एक आधा कैंडिडेट हो सकता है जैसे गलती से भी आ जाए, लेकिन इतने कैंडिडेट नहीं हो सकते। जिन लोगों के भी इतने से ज्यादा नंबर हैं उन लोगों पे कार्रवाई करो, उनको बुलाओ, उनका फिर से टेस्ट लो। अगर होते हैं तो पढ़े लिखेंगे तो फिर हो जाएगा, नहीं तो लग जाएगी नीचे जाके बढ़िया वाली। तो हम, मैं बिल्कुल साथ हूं, ये एक बहुत जायज चीज है और आप लोग भी इस जायज चीज के बिल्कुल साथ आएंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और जो लेटर भेजना है वो आप जरूर भेज देना, लेटर नहीं भेज रहे हो तो 11 तारीख को ट्विटर ट्रेंडिंग में जरूर एक बार साथ में जरूर आ जाना, क्योंकि बहुत जरूरी है और हमें ये 2-3 दिन ट्रेंडिंग में रखना है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा ट्वीट हो सके हमें करने हैं, और क्या ट्वीट करना है वो आपको बता दिया जाएगा आने वाले समय में। तो बिल्कुल आप साथ बने रहो, और ये चीज हम इन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे जिन लोगों के 80, 85, 90, 95, 100 ये नंबर आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनमें मैंने देखा कि कुछ आता ही नहीं, कुछ लिखना ही नहीं आता। मीडियम इज नॉट मैटर यार, मीडियम मैटर नहीं करता, हिंदी से इंग्लिश में आ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ आता ही नहीं, उन्हें सिग्नेचर तक नहीं करने आते, उन लोगों के 80 से 85 नंबर, और लोग हिंदी मीडियम से होके इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, अब वो तो एक बड़ी अचंभित चीज होती है कि ये कैसे हो रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए हमें बिल्कुल साथ में आना पड़ेगा, हर एक कैंडिडेट को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 80+ नंबर आए हो, कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके 80+ नंबर आए हों, तो आप लोगों को साथ आने में क्या दिक्कत है। आप लोगों को तो फायदा होगा जिनके ये नंबर आ रहे हैं, जिनके 60 नंबर आ रहे हैं, जिनके 50 नंबर आ रहे हैं, उन लोगों को फायदा होगा अगर ये लोग बाहर चले जाते हैं। और ये लोग बाहर जाने भी चाहिए, क्योंकि पढ़ के इतने नंबर आ ही नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर हार्ड था, कि जिस प्रकार से इसका शिफ्ट हार्ड थी, इतने से ज्यादा नंबर आ ही नहीं सकते। एक आधा कैंडिडेट का तुक्का लग जाए, लेकिन इतने कैंडिडेट के तुक्के भी नहीं लगते। तो बिल्कुल मैम, इस चीज को मैं मानता हूं कि हम सभी को साथ आना चाहिए, सभी को, क्योंकि नहीं है आप लोगों के इतने नंबर मैंने देखे हैं, और इन लोगों को बाहर फेंकना है हमें, किस कैसे ना कैसे करके हमें इन लोगों को बाहर फेंकना है दोस्तों, इन्हें बाहर करवाना है, और हमें अपनी जायज मांग है वो मांगनी है। और हम, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, देखिए हम एक लिमिट तक आपके साथ रह सकते हैं, और जैसे आपको प्रदर्शन करना है ट्विटर पे करो, कोई बड़ी चीज नहीं, ट्विटर पे ट्रेंड करवाना यार, करो, करवाओगे। हम अपनी मांग मांग रहे, जायज मांग है, न्यूज़पेपर में भी आई है कि फ्रॉड हुआ है, सबको पता है, लोगों के पास इतने नंबर, सबसे बड़ा सबूत है पेपर, फ्रॉड नहीं हुआ तो उनके पेपर दोबारा लो, अगर वही पेपर दोबारा ले लोगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे, इतने नंबर तो भी नहीं ले पाएंगे अगर वही पेपर उनसे दोबारा करवा लिया जाए तो। कुछ लोग हैं जो पेपर पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो बात है ना, पेपर दोबारा करवा लो, क्या बड़ी बात है, अगर इतना ही है, इतने होशियार है तो दोबारा भी कर देंगे। तो बिल्कुल हमें साथ में आना, और इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करवानी है जिनके 80, 85, 90+ हैं, इन लोगों के खिलाफ हमें एक्शन करवाना है, और हम करवा के रहेंगे। सब लोगों को साथ में आना है, एक जोरदार प्रदर्शन करना है, 2-3 दिन के लिए ट्विटर पे ट्रेंड रहना चाहिए, नंबर वन ट्रेंड करना चाहिए वर्ल्ड में और इंडिया में। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं सब लोग साथ में आएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं 80+ वाला मेरी नजर में तो कोई है ही नहीं। जिन लोगों के, कुछ लोगों ने मेरे पास आंसर उनकी भेजी है आंसर की, मैंने देखा यार क्या है, मतलब क्या सिस्टम हो रहा है, मैं खुद नहीं मान रहा था, लेकिन जिस प्रकार से आंसर की सामने आई है तब देख के लग रहा हाँ वास्तव में कुछ ना कुछ बड़ा घोटाला है, और इस घोटाले को हमें हटाना है, क्योंकि आगे एग्जाम और भी आएंगे ताकि उनमें घोटाला ना हो। तो सबको जरूर साथ में आना है 11 जनवरी को, सभी कैंडिडेट को साथ में आना है, क्योंकि जितने कैंडिडेट साथ में आएंगे उतना लोगों आपको ही फायदा होगा,
और आप, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग साथ में, क्योंकि ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं है जिसके इतने नंबर आए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और इसको शेयर जरूर कर दो ताकि ये न्यूज सब तक पहुंच पाए। और आने वाली वीडियो में बिल्कुल साथ बने रहो, क्या ट्रेंड करवाना है, कितने बजे करवाना है, वो आपको आने वाले समय में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कर दो ताकि लोगों तक ये न्यूज पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।